नमस्कार दोस्तों, स्वागत सभी का ओपन स्काई में। आज हम बात करेंगे SST की कट ऑफ के बारे में। सर्वप्रथम जनरल की कट ऑफ के बारे में बात करते हैं। जनरल की कट ऑफ में मेल व फीमेल में जो अंतर है, अंतर एक गुणा की कट ऑफ में भी रहने की संभावना है। जैसे जनरल की गई है मेल की 206.85, तो ये जाएगी लगभग 211.5। इसके बाद फीमेल की कट ऑफ 201.77, तो ये जाएगी लगभग 207.5। इसके बाद बात करें EWS की कट ऑफ के बारे में, तो EWS की जो जनरल मेल व फीमेल की कट ऑफ है वह एक समान है, तो इसमें संभावना यही बनती है कि कट ऑफ एक समान रहे, तो ये कट ऑफ लगभग 200.5 के समथिंग जाने की संभावना है। बात करें SC की कट ऑफ के बारे में, तो जनरल की रही है इसमें 182.05, तो यह है लगभग 193-194 जाने की संभावना है। फीमेल की बात करें तो फीमेल की लगभग 184-185 जाने की संभावना है। सबसे कम अंक बढ़ने की संभावना होती है ऊपर से जनरल की। जैसे जनरल की लगभग 7-8 अंक बढ़ेगी। इसके बाद जो सबसे कम अंक है, जैसे ST की कट ऑफ है, तो इसमें लगभग 13-14 अंक बढ़ने की संभावना है। जैसे ST की जनरल मेल व फीमेल की समान है, तो लगभग ये ST की कट ऑफ 184-185 के आसपास जा सकती है। बात करें OBC की, तो OBC की कट ऑफ के बारे में जनरल मेल व फीमेल में जो अंतर है वह अंतर बना रहेगा, तो जनरल मेल की कट ऑफ 207 के आसपास जाने की संभावना है और फीमेल की कट ऑफ लगभग 204 के आसपास जाने की संभावना है। बात करें MBC की कट ऑफ, तो MBC की कट ऑफ लगभग 201 के आसपास जाने की संभावना है और फीमेल की कट ऑफ के बारे में बात करें तो 193-194 जाने की संभावना है। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन और जो सैनिकों के पद हैं, इनके बारे में ज़्यादा आंकड़े हमारे पास नहीं हैं, तो इनकी कट ऑफ मैं नहीं बता रहा। जो मैंने आंकड़ा बताया है उसके लगभग रहेगी, थोड़ी ऊपर नीचे हो सकती है, यह एक संभावित आंकड़ा है। तो दोस्तों अपने नंबर ज़रूर कमेंट करें कितने बन रहे हैं आपके। धन्यवाद।